मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सत्र एक दिन का होगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल और शून्यकाल को भी हटा दिया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव टालने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कुछ दिनों बाद अध्यक्ष हम बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा कि 36 दिन के बाद वे अध्यक्ष बनाएंगे। उनका साफ तौर पर यह उपचुनाव में जीत की ओर इशारा था। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी के निधन पर कमलनाथ ने दुख जताया और कहा कि भोपाल में इलाज के दौरान लापरवाही की गई, जिसकी वजह से उनकी जान गई है। डांगी जी नहीं रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की लापरवाही के कारण, यहाँ के अस्पताल के लापरवाही के कारण उनको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और जब दिल्ली शिफ्ट करे, दिल्ली के हॉस्पिटल में मुझे बताया कि उनको ताज्जुब है कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। तो दिल्ली में मैदानता में उन्होंने पूरा प्रयास किया, वो नहीं रहे। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ा दुख है, एक समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।